नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए मूंग दाल से बनने वाले खस्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1 कप जो है मूंग दाल ले ली थी और उसको थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दिया था। और उसके बाद मैं उसको अच्छे से धुल कर एक बर्तन में पानी लेंगे और उसको अच्छे से बॉयल होने देंगे, और जब तक बॉयल करेंगे जब तक ये दाल जो है 80% पक ना जाए। और फिर इसको छान लेंगे हम दाल को और एक कपड़े पे फैला देंगे जिससे कि इसका पानी सारा निकल जाए। फिर एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो ये 2 चम्मच धनिया ले ली मैंने, सौंफ ले ली, जीरा, अजवाइन और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च, इन सब का एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद में मैंने ये सरसों का तेल लिया था जिसमें ये मसाला सारा डाल दिया है, और ये मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने ना लगे जब तक इसको भूनते रहेंगे। और ये देखिए जो हमने दाल तैयार की थी उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, और फिर इसको लो फ्लेम पर जो है अच्छे से भून लेंगे दाल को। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें क्योंकि दाल हमारी पहले से ही पकी हुई है। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच जो है अमचूर पाउडर और 1 चम्मच नमक और ये आधा चम्मच काली मिर्च डाल दी है, और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दाल को थोड़ा सा मैश कर लेंगे जिससे कि इसको भरने में आसानी रहे। और ये देखिए हमारी दाल बढ़िया से भून कर तैयार हो गई है। तो इसको जो है अब एक बर्तन में निकाल लेंगे और दाल को ठंडा कर लेंगे। फिर इसके लिए मैंने ये देखिए 2 कप जो है मैदा ले लिया था, उसमें 1 चम्मच नमक और अजवाइन डाल देंगे और लगभग 2 चम्मच घी डालकर इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद मैंने लगभग जो है इस तरीके से देखिए हाथों में बंधना, और फिर 1 पिंच जो है मैंने इसमें सोडा डाल दिया। उसके बाद इसको पानी से अच्छे से गूंद लेंगे, और बहुत टाइट मैदा नहीं तैयार करना है, थोड़ा मीडियम साइज़ का होना चाहिए। उसके बाद में ये जो हमने दाल तैयार की थी इस तरीके से देखिए मैदे की लोई बना लेंगे, और फिर हमने जो दाल का मसाला तैयार किया है उसको इसमें भर देंगे। और इस तरीके से देखिए हमने छोटे छोटे खस्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो थोड़ा बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर तेल गर्म करके इसको इसमें ऐड कर देंगे, और फिर बिल्कुल धीमी आंच में ही इनको पकाना है। हमको करीब 10 मिनट लग जाता है इन खस्तों को पकने में, और फिर धीमे से इसको उलटते पलटते अच्छे से सीख लेंगे, और ये हमारे बढ़िया से खस्ते बनकर तैयार हो गए हैं। और इसके साथ खाने के लिए मैंने हरी मिर्च भी इसमें तेल में ही फ्राई कर ली है, तो इसको भी इसमें रख लेंगे। और खस्तों को आप चाहे तो चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर इस तरीके से मैंने इसकी आलू की सब्ज़ी बनाई है उसके साथ इसको सर्व कर रहे हैं, और ये बहुत ही बढ़िया खस्ते बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो गए हैं ये। और दोस्तों इसको एक बार जरूर बनाकर देखें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को लाइक करें।